हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। वाटरप्रूफिंग, आपने वाटरप्रूफिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। आखिर स्मार्टफोन में वाटरप्रूफिंग कैसे काम करता है, कैसे आपका फ़ोन पानी में जाने के बावजूद भी ख़राब नहीं होता है, आज की वीडियो में आपको स्मार्टफोन के वाटरप्रूफिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग कैसे काम करता है, कैसे आपका फ़ोन बिना किसी केबल के चार्ज हो जाता है। अगर आपने स्टूडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे स्टूडियो का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी उस स्टूडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी स्मार्टफोन को वाटरप्रूफ कैसे बनाया जाता है और कैसे आपका फ़ोन पानी में जाने के बावजूद भी ख़राब नहीं होता है। किसी भी फ़ोन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर स्मार्टफोन के जितने भी बाहर के होल्स होते हैं, जितने भी बाहर के पोर्ट्स होते हैं, जितने भी बाहर के रिमूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके फ़ोन का ऑडियो जैक, आपके फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट, आपके फ़ोन का माइक, स्पीकर और वॉल्यूम बटन, इन सभी आउटर मोस्ट कंपोनेंट को बहुत ही पावरफुल ग्लू, रबर गैस्केट और प्लास्टिक कोटिंग के ज़रिए इसे सील कर दिया जाता है, इसे बंद कर दिया जाता है। एज अ रिज़ल्ट स्मार्टफोन में पानी एंटर नहीं कर पाता है, पानी अंदर नहीं जा पाता है, जिससे आपका फ़ोन पानी में जाने के बावजूद भी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। अगर आप एप्पल, वन प्लस, सैमसंग या गूगल पिक्सल का कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसमें आपको वाटरप्रूफिंग भी मिलती है। ब्रांड्स ये क्लेम करती है कि उनका फ़ोन वाटरप्रूफ है, हालांकि उनका फ़ोन फुल वाटरप्रूफ नहीं होता है, उनका फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट होता है। फुल वाटरप्रूफिंग का मतलब होता है कि आपका फ़ोन पानी के अंदर कितना देर भी रख लें, कैसे भी रख लें, जितना देर रख लें, आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा। और वाटर रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन को पानी में एक लिमिट तक, एक हद तक रख सकते हैं, उससे आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, लेकिन उस लिमिट के बाद आपका फ़ोन पानी के अंदर भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह के वाटरप्रूफिंग को वाटर रेसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब स्मार्टफोन के वाटरप्रूफिंग को IP रेटिंग से दर्शाया जाता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। आपको मार्केट में कई सारे ऐसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जिसकी IP रेटिंग IP67 होती है और किसी किसी को आपको IP68 भी मिल सकती है। तो आखिर ये IP67 और IP68 में क्या फ़र्क है? IP67 और IP68 में वाटरप्रूफिंग का ही फ़र्क होता है। अगर आपके स्मार्टफोन का वाटरप्रूफिंग IP68 होता है तो आपका फ़ोन पानी की गहराई में 1.5 मीटर तक, यानी कि 1.5 मीटर के गहराई तक आधे घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। अगर आपके फ़ोन का IP रेटिंग IP67 होता है तो आपका फ़ोन पानी की गहराई में 1 मीटर तक आधे घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। यानी कि IP रेटिंग जितना ज़्यादा होगा, आपका फ़ोन पानी के अंदर उतना ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे IP68 IP67 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। IP68 आपके फ़ोन के वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपका फ़ोन पानी के अंदर काफ़ी देर तक सर्वाइव कर पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्टफोन में वाटरप्रूफिंग कैसे काम करती है और स्मार्टफोन में IP रेटिंग क्या होती है, कैसे आपका फ़ोन पानी के अंदर सर्वाइव कर पाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।